और जानते हैं कि मशीन किस तरह से चलाया जाता है, और जो यहाँ पर मशीन चला रहे हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि गाय का दूध का रेट क्या पड़ रहा है और भैंस का क्या रेट पड़ रहा है। गाय का होता है, भैंसों का होता है। क्या रेट पड़ता है आपका? क्या रेट पड़ता है? ये रहा, अब सिंपल लगा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो नहीं लगा है। तो ठीक, इसका क्या रेट पड़ रहा है? 60-62 रुपया लीटर। 60। देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉक, हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम आए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और जानते हैं कि मशीन किस तरह से चलाया जाता है, और जो यहाँ पर मशीन चला रहे हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि गाय का दूध का रेट क्या पड़ रहा है और भैंस का क्या रेट पड़ रहा है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर ऐसा वीडियो ना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आ जाइए थोड़ा सामने इधर। क्या नाम है आपका? राज यादव। हाँ, राज यादव। राज यादव, कितने वर्षों से चला रहे हैं दूध डेयरी? 1 साल से मैं चला रहा हूँ, 5 साल से मेरा भाई। अच्छा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा, और कैमरा मैन कहना चाहूँगा और थोड़ा पास में आ जाए, थोड़ा दिखा दीजिए इधर। तो गाय का क्या रेट चल रहा है अभी? गाय का 45-46 रेट चल रहा है, भैंस का 70-75 रुपये भी। यानी भैंस का 70-75 रुपये लीटर दूध चल रहा है, और यहाँ पर किसान भी आ गए हैं, किसान से थोड़ा जानकारी लेते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। श्री भारद्वाल पटेल। कहाँ से हैं? बादलपुर से। तो भैंस का दूध लाते हैं कि गाय का? गाय का होता है, भैंसों का होता है। क्या रेट पड़ता है आपका? 60-62 रुपये 65 रुपये भैंस पड़ता है। यानी 60-62 रुपये 65 रुपये भैंस का रेट पड़ जाता है ना? तो अभी रेट बढ़ा है कि नहीं पहले करते? नहीं बढ़ा है। बढ़ा है, खुश हैं कि नहीं रेट से? अरे खुश है, यही का वो का भाई जो बड़ी हुई मिली। तो यहाँ पर देखना दिखाना चाहूँगा कि ये मशीन जो है किस तरह से चलाया जाता है दूध डेयरी का। काफ़ी लोग जो है कमेंट करते हैं कि हमें दूध डेयरी की मशीन चलाना है तो कैसे हम चला सकते हैं, ये भी हम आप लोगों को इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे और दिखाएंगे भी। हैं जो है बकाले यादव आ गए हैं, ये सादलपुर काली पड़ता है, तो ये भी दूध लाए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या रेट इनका पड़ता है। क्या नाम है आपका, पूरा बता दीजिए? हमारा नाम है जग नारायण यादव। जग नारायण, तो कहाँ से है? सादलपुर काली। तो गाय का दूध लाते हैं कि भैंस का? गाय का। क्या रेट पड़ता है? पड़ जाता है 40-45 तक के रेट में। अच्छा, 40-45 रेट गाय का? गाय का। तो कहाँ दूध है अभी आपका, देख लेते हैं क्या रेट पड़ता है। ये रहा, अब सिंपल लगा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो नहीं लगा है। तो ठीक है, लगने दीजिए। तो दिखाना चाहूँगा कि ये गाय का दूध है, क्या रेट पड़ता है, और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दिखाना चाहूँगी गाय का दूध है और क्या रेट इसमें पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मजान के इंटरव्यू ले लिया। तो देख सकते हैं अभी ये चल रहा है, अभी इसमें जो है रेट बताएगा कि कितने में पड़ा है, जो कि गाय के दूध का रेट। तो कदी महीना ना ना दो महीना पैसा मिले ना। चालीस रुपया में पड़ रहा है ये गाय का दूध है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। तो आपका जो गाय का दूध आता है भैंस का? भैंस का। क्या रेट पड़ रहा है? 60-62 रुपये लीटर। 60-62 रुपये लीटर पड़ रहा है। पहले जो है, आज से कई अगले साल कितने में पड़ता था? अगले साल 46-45। तो
अभी जो रेट दूध डेयरी मिल रहा है उस रेट से खुश हैं कि नहीं? खुश हैं, बढ़िया है, बढ़िया रेट पड़ रहा है। कितने पशु हैं आपके पास? 3 हैं। कितने गाय कितने भैंस हैं? 3 भैंस हैं। भैंस ही रखे हैं तो ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को हम दूध डेयरी मशीन चलाने के बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दूध डेयरी की मशीन कैसे चलाया जाता है, हम जानकारी इनसे लेते हैं। देखो अभी मशीन बंद कर दिए गए हैं, तो चालू कहाँ से होता है शुरुआत में? यहाँ से चालू होता है। चालू कर दीजिए बस। तो देख सकते हैं इस तरह से पीछे साइड बटन जब दाबेंगे तो यहाँ से जो है चालू हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसी से जो है वर्किंग करेगा, उसके बाद चल जाता है। चलने के बाद जो है इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद अभी वार्म अप लिख के आया है, तो ये जो है कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से अभी देखो वार्म अप हो रहा है, थोड़ा चल गया। अब चालू, जैसे दूध लगाना हो तो किस तरह से लगाते हैं, कहाँ पे शुरू में? तो देखिए शुरुआत में जो है दूध यहाँ पर लगाया जाता है, जो आप देख रहे हैं। देखिए ये बटन थोड़ा ख़राब है, इसके लिए वायर को टच करते हैं और वहाँ पर जो है टच करने के बाद जब एक आवाज़ हल्का से करती है सी सी का, तो वहाँ दूध को हीट किया जाता है। जब हीट उसका समय पूरा होता है तब उसको इस साइड में लगाया जाता है। तो ये भी थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो और ये भी सारी कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड द्वारा ये चलता है मशीन। ये पुरानी मशीन है जो पहले चलती थी, उस पुरानी मशीन भी कई लोग के पास ऐसे है, तो वहाँ से जो है इस साइड लगाना पड़ेगा। अब इस साइड लगा दीजिए। तो यहाँ पर कोड नंबर लिखना हो तो पहले इसको दबाओगे, कोड नंबर जो भी होगा इसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर सब लिख कर आ जाता है, एरर बता दिए। तो इसी हिसाब जो है दूध डेयरी का इसमें कोड लिखा जाता है और देख सकते हैं कि इस तरह से हो जाता है। कोई फिर दाव देखें कट का है तब ही कहाँ से कोड नंबर जो है लिखिए, जो माइनस जाना है फिर बैक करके देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, फिर कोड नंबर डाल देंगे। कोड नंबर डालने के बाद अभी सर्फिंग होगी, उसके बाद कुछ सेकंड का जो है समय लेता है, उसके बाद जो यहाँ पर रेट बता देगा, जो भी रेट आएगा यहाँ पर जो है पर्ची जो है निकल आती है। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो है बहुत कठिनाई वाला नहीं है, बहुत आसान तरीका है दूध डेयरी मशीन चलाना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। और आपके यहाँ क्या रेट है दूध डेयरी में, नीचे कमेंट जरूर करें। और कितना रुपया लीटर दूध जा रहा है गाय का और भैंस का?